हेलो ऑल माई डियर स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हेमल सर बहुत सारे स्टूडेंट लोग ने अभी तक सोच लिया रहेगा सर मैं ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा वो करूँगा पर कुछ चुनिंदा जो अपने पास बच्चे रह गए स्पेशलाइज जो बच्चे रह गए उन्होंने सोचा रहेगा सर कुछ हटके करना है सर स्टडी अप्रॉड जाके पढ़ना है सर ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ना है कैनेडा जाके पढ़ना है सर दुबई जाके कुछ ऐसा करना है कि डॉलर में छापूँ हमें इंडिया में नहीं कमाना है सर डॉलर में छापू मोटा पैसा अन अं करूँ तो सर उसके लिए तो एक ही होगा वहाँ पर जाके पढ़ना पड़ेगा नहीं बच्चा ऐसा नहीं होता आप यहाँ पर भी पढ़ के ऐसा कुछ कर सकते हो सर स्टडी अब्रॉड मतलब सर अब्रॉड जाएंगे बहुत खर्चा हो जाएगा लाखों करोड़ों में बात जाएगी अरे नहीं बच्चा नहीं आप सब गलत हो इसी के लिए बेटा स्पेशली आज मैंने आपके लिए सी अनु अग्रवाल मैम को इन्वाइट किया है जो आके आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे कि सर स्टडी अब्रॉड में कौन से कौन से कोर्स हो कौन सी कौन सी एग्जाम होगी कौन सी कौन सी फील्ड हम चूज कर सकते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ सकता हूं कि मैं अमेरिका जाके पढ़ सकता हूँ यूके जा जाके पढ़ सकता हूँ ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं तो बेटा बिना टाइम जाया करते वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना आगे आपको एक एक सारी चीजें समझ में आ जाएगी और कुछ भी प्रॉब्लम है बेटा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है इवन कमेंट में मैंने एक लिंक पिंग पे पिन किया है आप डायरेक्ट उस पे क्लिक करो डायरेक्टली मैम को मैसेज चला जाएगा मैम आपसे पर्सनली जाके क्या करेगी कनेक्ट हो जाएगी बेटा तो डोंट वरी बेटा चलो मैं मैम को इनवाइट करता हूँ मैम आइए और बच्चे लोग को गाइड करिए और हमने सारे कम से कम हमारे 50 से भी ज्यादा बच्चे अब्रॉड जाने चाहिए और हेमल सर का नाम भी रोशन करने चाहिए आपका नाम तो रोशन करेगी हेमल सर का नाम भी रोशन करने चाहिए जैसे कि हिमल सर ने बोला देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू अर्न इन द डॉलर एंड पाउंड्स बट अंदर एक रिल्कटेंस है सोच है कि हम कैसे जाएंगे बहुत महंगा होगा बट इच्छा है कि हाँ पाउंड्स और डॉलर्स में कम आना है तो फिर क्या ये पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है कैसे पॉसिबल है अगर हम बाहर जाने का खर्चा अगर हम मैं बोलूँ आपसे कि सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट कम हो सकता है कैसे हो सकता है मैं बताऊँगी फिर दूसरा फेयर स्टूडेंट्स का कि मैम आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा वो सेवन नहीं आता अगर मैं आपसे बोलूँ आइल्स का एग्जाम आई ई एल टी एस जिसको मैं बोल रही हूँ नहीं देना पड़ेगा तो सो आई थिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अब आपके दिमाग में आ रहे होंगे सो कैन आई टेक यू टू दैट जर्नी ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हब विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ रियली रियली पॉसिबल टू गो अब्रॉड At 70% less cost, and yes, fulfill your dream of earning in dollars and pounds. So let's start. So International University Hub powered by FPA EduTech brings to you the International University Hub. But before I start talking about International University Hub, let us talk about is the environment hai. Why this is the right time to actually go abroad. Up actually कुछ भी जो बोलते हैं ना ग्रेट uh, पड़े लीडर्स को देखेंगे या um, आप रीड करोगे यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली विल मेंशन दैट वी वेंट आउटसाइड इंडिया टू स्टडी यू नो एक्स वाई जेड कोर्स इन सच एंड सच कंट्री सो व्हाई आर दीज पीपल गोइंग आउटसाइड इंडिया टू स्टडी अब्रॉड वेन वी आर परफेक्ट वेन इट कम्स डाउन टू एजुकेशन सिस्टम गाइज हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है बट इट इज़ द मेथडोलॉजी इट इज़ एट रिसर्च बेस्ड पढ़ाई

इट्स लाइक like, पहले एक बच्चा घर से निकलता था नहीं पता माँ बाप को कि वो कहाँ कब पहुँच गया फॉरेन कंट्री की नहीं पहुँच गया आज तो व्हाट्सअप वीडियो कॉल के बेसिस पे इवन इफ द चाइल्ड इज सिटिंग इन यूके पेरेंट्स कैन डू अ वीडियो कॉल एंड एक्चुअली टॉक टू द चाइल्ड बट कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं सो कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ गई हैं जिसकी वजह से बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन एम्बिकटी एंड दोज नो डिसीजन मेकिंग काबिलियत जो है इज एक्चुअली गेटिंग रिस्ट्रिक्टेड इन द करेंट वू का वर्ल्ड दैट इज़ वॉट वी एट आई यू एच अंडरस्टैंड दैट अ स्टूडेंट इज एक्चुअली कन्फ्यूज कन्फ्यूज विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट वन क्या मुझे फॉरन जाना चाहिए दूसरा मैं फॉरन जाऊंगा तो महंगा बहुत है तीसरा मुझे इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है चौथा क्या ये जो मैं कोर्स ऑप्ट कर रहा हूँ अगर मुझे ये नहीं कोर्स करना तो क्या मैंने सही कोर्स ऑप्ट किया है कि नहीं ओ माय गॉड सो मैनी कन्फ्यूजन्स वी एट आई यू एच बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन का जवाब कि क्या मैं कम पैसों में फ़ॉरेन जा सकता हूँ हाँ जा सकता हूँ क्यों क्योंकि वी रन इन एन हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर टू ईयर्स आप मुंबई में इंडिया में आई यूएच के कैंपस में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हब के हु आर दी ऑथराइज लर्निंग पार्टनर्स ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़ इनके कैंपस में यहाँ पर पढ़ेंगे दो साल नाउ दिस विल मेक योर पढ़ाई कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज जो खर्चा आप तीन साल करते वो अब आपको एक ही साल करना है जब आप वहाँ जाओगे दो साल आपका खर्चा नहीं होएगा क्योंकि आप इंडिया में हो एंड यस यस अब आती है बात कि मैम जब वहाँ मैं फॉरेन में भी, भी जाता हूँ तो मैम हाउ विल आई गेट द जॉब हाउ विल आई गेट टू वर्क मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी आती या मेरी इंग्लिश कमज़ोर है सो so गाइज इसी लिए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड जब टू ईयर्स आप यहाँ इंडिया में हो देन इन दैट टाइम वी आर डूइंग एवरी थिंग टू अपस्किल यू वी आर नॉट ओनली टीचिंग यू द इंटर द यूनिवर्सिटी सिलेबस वी आर हेल्पिंग यू विद डिजिटल मार्केटिंग बिल्डिंग अप योर प्रोफाइल Knowing how to use LinkedIn, uh, telling you about personality development, in fact, grooming your personality, data science, ki nitty gritties, advanced Excel ko, pechanna, usme kam karna, all this you will be doing for the two years when you are here. Now, when you know how to do lot of things which anybody in the industry is required to know. So when you go there, Anyways, you are allowed to work for twenty hours per week. You may get odd jobs, right? But that is going to help you. You know, you will develop that skill of communicating with the locals of that country. This will polish your uh, your fear for you know talking in English or communicating with those people. So those twenty hours of working will not only groom your personality. विल नॉट ओ ओनली हेल्प यू अप्लाई जो आपने यहाँ इंडिया में है सीखा है बट एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस आपको बीस घंटे में कम से कम अगर आप यूके जाते हैं तो एक सौ पचास पाउंड से लेकर एक सौ अस्सी पाउंड तक पर वीक आप कमा सकते हैं दैट इज गोन टू टेक केयर ऑफ योर ईटिंग स्टेइंग एक्सपेंसेस सो सिर्फ खर्चा बचेगा यूनिवर्सिटी का विच इज अराउंड नाइन थाउजेंड टू टेन थाउजेंड पाउंड्स गाइज इमेजिन गोइंग इन अ फॉरन लैंड और सिर्फ नौ से दस लाख रुपये का खर्चा येस दैट्स वोड एम टॉक अबाउट एंड येस इन दो साल जब आप यहाँ पर हो आपको कोई एग्जाम नहीं देना है बिकॉज उनकी पढ़ाई का तरीका रिसर्च बेस्ड रहता है तो इट्स इट इज असाइनमेंट बेस्ड सो देर आर नो एग्जाम्स इन दिस टू ईर्स इट्स अ कम्प्लीट पर्सनैलिटी मेक ओवर विच इज गू इन आई यू एच इन मुंबई इन इंडिया बिफोर यू लीव फॉर द फॉरन लैंड आपकी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या है सिर्फ एक है अगर आप टेंथ पास हैं तो गाइज आपको तीन साल हमारे साथ यहां रहना पड़ेगा और चौथे साल आप फॉरन जाएंगे और अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो आप दो साल हमारे साथ यहां पर रहेंगे और थर्ड ईयर आप फॉरन जाएंगे आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू गेट मोर देन सिक्सटी परसेंट इन योर ग्रेट ट्वेल्थ एग्जामिनेशन सो दैट इज वॉट यू नीड टू टेक केयर अब तो आप एग्जाम दे चुके हो आइसिंग ऑन द केक जो आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि मैम मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ तो हम आपको एट पाथवेज देंगे फर्स्ट ईयर तो आप वो छः सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो कॉमन होंगे फॉर एनीबडी चूजिंग एनी स्पेशलाइजेशन बट इन द सेकेंड ईयर वी विल रन टू थ्रू ऑल दी स्पेशलाइजेशन एंड यू विल एन ऑप्शन कि आप इनमें से कोई भी आर्ट पाथवेज में से कोई एक पाथवे को चूज कर सकते हैं इट कैन बी जनरल बिजनेस मैनेजमेंट टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टू मार्केटिंग मैनेजमेंट टू इवन ट्रैवल एंड टूर अकाउंटिंग साइड पे अकाउंट्स एंड फाइनेंस हेल्थ केयर मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एंड इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सो गाइज दैट फियर की विल शुडाई टू एक्स कोर्स और वाई कोर्स वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है बिकॉज यू विल बी टेकन थ्रू दैट जर्नी विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वॉट यू विल बी गुड एट एक सवा साल बहुत होता है समझने के लिए कि आपको क्या अच्छा लगेगा आप सेकेंड ईयर के लिटरली सेकेंड सेमेस्टर में अपना स्पेशलाइजेशन चूज करोगे राइट एंड थर्ड ईयर आप उसी स्पेशलाइजेशन में ग्रेजुएट होगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम जब हम दो साल यहाँ पर है तो क्या हमारी डिग्री में लिख कर आएगा नहीं आपको डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगी फॉर एग्जाम्पल यू आर अ स्टूडेंट ऑफ़ जी सी यू सो द डिग्री विच यू विल बी गेटिंग विल बी ऑफ जी सी यू विद नो मैंशन ऑफ़ योर टू ईयर्स इन इंडिया इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ़ यू विल गेट अ द डिग्री द ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ऑफ बंगोर और प्रॉपर ग्रेजुएशन सेरेमनी जैसे फॉरन में होती है वो होगी आप उसका हिस्सा होगे किसी मतलब इट्स लाइक स्टडिंग फॉर थ्री इयर्स देयर राइट इट्स ओनली दो साल आप यहाँ पढ़े हो इस बारे में नहीं पता चलेगा ना आपकी डिग्री में पता चलेगा सिर्फ आपका खर्चा कम होएगा सो गाइज आई थिंक मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चन हैव बीन आंसर्ड बट फिर भी कोई और क्वेश्चन होंगे तो वी आर देयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन बट एडमिशंस फॉर दिस ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव विल बी टेकन अप ओनली टिल थर्टी ऑफ मे So, if at all you want to go abroad and achieve your dreams, then do contact us and achieve that dream of earning in dollars and pounds. Thank you.